अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सेमन फिश बहुत हेल्दी वे। सो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया था, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून क्रश पेपर और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अब जो स्पाइसेस थे उनमें हम लेमन जूस डाल के और साथ में ही हम सेमन फिश ऐड कर लेंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सो ये जो थोड़े से जो स्पाइसी लिए थे, ओनली सेमन फिश को हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करके फिर हम थोड़ी देर बस रख लेंगे, ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा था। और साथ में ही फिर हम एक सॉस भी रेडी करेंगे। सो उसके साथ फिर बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस होगा। और ये बहुत हेल्दी वे मैंने बनाया था और पैन में ही मैंने बना लिया था। सो बहुत मज़े की बनी थी। आप चाहे तो ऐसे ही सारे स्पाइसेस मिक्स करके तो आप बेक भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस फ्रेश, 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया था मस्टर्ड सॉस, हनी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 पिंच और सोया सॉस 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम अब मिक्स करके रख देंगे। और यहाँ पर कुछ मैंने वेजीज ले लिए थे, जिनमें मैंने बेल पेपर, रेड, येलो, ऑरेंज और बाद में मैंने ग्रीन भी ले लिया था, बेबी कैरट्स थे और साथ में ब्रोकली फ्रेश। और यहाँ पर मैंने जी जो फ्रेश लेमन है इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया और ये भी हमें चाहिए था। तो मैंने सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर करके रख दी थी ताकि जब हम सेमन कुक करें तो हमें सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। यहाँ पर जो पहले मैंने सॉस रेडी करके रखा था तो उसी में मैं थोड़ा सा लेमन जूस और डाल रही हूँ, बिकॉज पहले मैंने थोड़ा डाल दिया था, लेकिन टोटल हमने 3 टेबलस्पून लेमन जूस लिया था। अब यहाँ पर पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, ये हल्का सा मेल्ट हुआ तो मैंने सेमन फिश को एक एक पीस करके कुकर ने पैन में रख दिया। और आप देख सकते हैं स्किन का जो पार्ट है वो मैंने पहले नीचे रख दिया था। ऑलमोस्ट 3 मिनट के लिए मैंने कुक किया था ईच साइड। तो सेमन फिश बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर आप कुक करेंगे तो ये जो फिश है थोड़ी हार्ड हो जाती है। सो मैंने मीडियम आंच पे मैंने रख दिया था फ्लेम को। और अब जी हम फ्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आ चुका था। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया और 1/2 टेबलस्पून क्रश पेपर और जो हमने वेजीज को काट के रखा था सो सारी वेजीज हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा हम बस बटर और पेपर के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है और ताकि वेजीज में एक अच्छा सा क्रंच रहे। और सबसे पहले मैंने ब्रोकली डाल दी और साथ में जो बेल पेपर्स थे और बेबी कैरट्स, और लास्ट में मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट मैंने मीडियम टू स्लो पे मैंने वेजीज को सोटे किया और लास्ट में 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था। वेजीज ऑलमोस्ट रेडी थी और फिश भी। और यहाँ पर जी मैंने सेमन को फ्लिप कर लिया था, सेमन फिश को, और ऊपर से अब जो हमने सॉस रेडी करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया और लेमन जेस्ट जो हमने लेमन को ग्रेट करके रखा था 1/2 टेबलस्पून ये भी मैंने अब ऊपर से डाल दिया। और साथ में मेरे पास रोजमेरी के कुछ लीव्स थे तो वो भी मैंने डाले। और अब जो स्पून की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा करके ये जो सॉस है सेमन फिश के ऊपर ऐसे मैं डाल दूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर पूरे फिश में से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए, कहीं से फीकी ना रह जाए।
बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल ही ये रेसिपी है और बहुत हेल्दी वे मैंने बनाया था। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। इसके साथ मैंने गार्लिक ब्रेड भी रेडी किया था। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ब्रेड पसंद है। जैसे अगर आपने पूरा एक मील लेना है तो एक अगर आप पीस साथ में ले लें तो पूरा ये एक मुकम्मल मील रेडी होगा। अगर आपने हेल्दी वे जाना है तो फिर आप ओनली वेजीज और सेमन फिश ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने गार्लिक के दो जवे, जिन्हें मैंने बिल्कुल अच्छा सा ग्रेट कर लिया था, और पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया लाइक 1 टेबलस्पून, और गार्लिक को मैंने हल्का सा बस भून लिया ताकि गार्लिक की स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने जो ब्रेड है इसके मैंने पीस काट के तो ये मैंने ऊपर से रख दिया, और अब बस फ्लिप कर लूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने स्टोव को हाई कर लिया था ताकि एक अच्छा सा ब्रेड पे लाइट सा कलर आ जाए और गार्लिक और बटर का फ्लेवर भी दोनों साइड्स में आ जाए। सो ये ब्रेड बहुत मज़े की रेडी होती है। तो यहाँ पर जी ब्रेड और साथ में वेजी और सेमन फिश बिल्कुल रेडी थी। अब मैंने सारी चीज़ों को डिश आउट कर लिया था और पैन में जो सॉस बचा हुआ था तो वो भी मैंने ऊपर सेमन फिश के ऊपर से मैंने इसे डाल दिया लाइक हाफ हाफ टी स्पून ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर जी मज़े की सेमन फिश और साथ में वेजीज बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और यम्मी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।